आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं भिवंडी समय व्हाट्सएप न्यूज। भिवंडी में जैतूनपुरा में एक घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। दोपहर के 2:30 बजे लगने वाली आग ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त घर के सभी अफराद अपने करीबी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और घर में सिर्फ एक बकरी का बच्चा बंधा हुआ था, लेकिन कुदरत जिसे रखे उसे कौन चखे। पूरा घर जलकर खाक हो गया मगर बकरी पर आंच तक नहीं आई। इस मौके पर समाज सेवक याकूब शेख, रेहाना अंसारी, शेख गुड्डू, हनीफ रमजान व दीगर कारगुजारों ने हादसे का जायजा लिया। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के पीआरओ जनाब मधुकर पाटिल रिटायर हो गए हैं। उन्हें भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका से विदाई दे दी गई है। उन्होंने अपने 37 साल में जम कर अपना काम को अंजाम दिया। इस मौके पर भिवंडी के पत्रकारों ने उनके लिए एक बहुत ही खास प्रोग्राम रखा जिसमें उन्हें पूरे तमगो, शॉल और कई चीजों से नवाजा गया। भिवंडी में मुशायरों का एक अलग मियार होता है, लेकिन पिछले दिनों होने वाले एक मुशायरे ने शर्मसार कर दिया। मुशायरा इतना बेतुका था कि आए हुए मेहमान प्रोग्राम को देखकर फौरन लौट गए। मुशायरे का कोई मियार नहीं था, बल्कि जिन शायर हजरात का नाम बैनर और कार्ड पर छापा गया था इनको तो पता ही नहीं था कि इन्हें भिवंडी भी आना है। बल्कि लोगों का कहना है कि ऑर्गेनाइजर पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए जो इस किस्म के प्रोग्राम करके आवाम को बेवकूफ बनाते हैं।